दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स अल्फाबेट में ई का पार्ट 131। ठीक है, और फ्रेंड्स टोटल वीडियोज की बात करें तो 1334 वीडियो बन चुके हैं। आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे जो फर्स्ट वर्ड है वो है आप लोग का ई वैपरेट। ई वैपरेट मीन्स होता है फ्रेंड्स वाष्प में बदल जाना, ठीक है, या भाप में उड़ना। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं भाप में उड़ना या वाष्प में बदल जाना, ई वैपरेट। यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ड फ्रेंड्स ई वैपरेशन। ई वैपरेशन भी होता है फ्रेंड्स वाष्पीकरण, ठीक है, या फ्रेंड्स वाष्पन होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ड फ्रेंड्स ई वैपरेटिव। ई वैपरेटिव में होता है फ्रेंड्स वाष्पीकरण संबंधी, मतलब कि वाष्पीकरण से संबंधित या वाष्पन से संबंधित। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का ई वैपरेटर। ई वैपरेटर मीन्स होता है फ्रेंड्स तरल पदार्थ को गर्म करके गाढ़ा करने का यंत्र। आप लोग यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, तरल पदार्थ को गर्म करके गाढ़ा करने का यंत्र ई वैपरेटर। देखिए आगे है नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का यू। यू मीन्स होता है फ्रेंड्स सायंकाल, ठीक है, या फ्रेंड्स संध्या जिसको कहते हैं आप लोग। इवन देखिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का छठा वर्ड। इवन मीन्स होता है फ्रेंड्स चौरस, ठीक है, या फ्रेंड्स चिकना होता है, ई वी ई एन। और इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का इवन फॉल। इवन फॉल मीन्स होता है फ्रेंड्स संध्या का आगमन। ओके, इवन फॉल का मतलब संध्या का आगमन। सो गाइस, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वर्ड बताया आप लोग को ई वैपरेट, वाष्प में बदल जाना या भाप में उड़ना, ई वैपरेशन भी होता है फ्रेंड्स वाष्पीकरण या वाष्पन, ई वैपरेटिव वाष्पीकरण संबंधी, ई वैपरेटर भी होता है फ्रेंड्स तरल पदार्थ को गर्म करके गाढ़ा करने का यंत्र, ईव मीन्स होता है फ्रेंड्स सायंकाल या संध्या, ईवन जो कि चौरस होता है या चिकना, ईवन फाल संध्या का आगमन होता है, ई वी एन FALL। सॉरी सुगज, आगे मिलते हैं आप लोगों से ई का 132 वीडियो में। नमस्कार।